सरकारी में पढ़ते हो और बाकी क्या है? चलो किसी दिन आना घर पे। तो ये चीज ना मैंने लाइफ में एक काम बहुत अच्छा किया है कि मैंने जो गरीब बच्चों को मैं पढ़ाती थी उस टाइम पर, मैंने 1-1.5 साल पढ़ाया था गरीब बच्चों को, 150 गरीब बच्चों को पढ़ाया था मैं खुद। उन्हें सारी पेंसिल कॉपी वगैरह अरेंजमेंट करके देती थी, जिनको कपड़ों की जरूरत थी उन्हें कपड़े देती थी, सूज चाहिए होते थे मैं मांगती थी लोगों से कि मुझे सूज दे दो बच्चों के पुराने जो पड़े हैं इकट्ठे कर करके, और कुछ जितना मुझसे होता था उतना मैं खरीद के देती थी। मैंने इन बच्चों के लिए करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं इन्हीं की ब्लेसिंग्स है कि लाइफ में सब कुछ इतना स्मूथ है, ठीक है। कॉपीराइट ले आओ मेरी मीडियन पे, वैसे ही व्यू ना आते। ये वॉक करने में इजी रहे। ये बेर हमारे घर पे पेड़ है बेरी का, उससे ये बेर हमने तोड़े हैं। मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, देखो मेरे घर के आगे मंदिर है, चले। बच्चा हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह के बज रहे हैं 6:30, मैं उठ गया सुबह क्योंकि 6:30 बजे इसको दूध पीना होता है मॉर्निंग वाला, और इसको दूध पिलाने के बाद मैं वापस सो जाऊंगी क्योंकि पिंपल देखो कितना तगड़ा आ गया, एकदम खा पी के पिंपल आया है मुझे। हाँ तो मैं वापस सो जाऊंगी बिकॉज मैं रात को भी बहुत लेट सोई थी, और क्योंकि ये लेट सोता है रात में बहुत ज़्यादा, 2 भी बज जाते हैं इसको, 3 बज जाते हैं, दोनों सोएंगे हम फिर से माँ बेटा, और हम उठेंगे 10 बजे, 9 या 10 बजे। और गर्दन में बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे में पेन। फोन हो गए हैं दूध लेने के लिए, मम्मी भी उठ गई हैं, वो मम्मी किचन में पता नहीं कुछ कर रही हैं, एंड मैं भी बस चाय पीऊँगी और उसके बाद चाय पीने के बाद मैं वापस सो जाऊँगी। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। बहुत दिन बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, ओल्ड व्लॉग्स थे उसको एडिट करके डाल रही हूँ, एंड आई डिसाइड किया मैं थोड़े व्लॉग्स बनाना शुरू करूँगी। अच्छा ये पहले बताओ, मुँह से बोलो मैं। अच्छा ठीक है मैं चला रही हूँ, डोंट क्राई। इसको देखने कार्टून देख के सोएगा हीरो। मैं। कर दिया हमारे घर में बेर लगते हैं, बेर, और हम बेर तोड़ तोड़ खाते रहते हैं, और हम बेचने जा रहे हैं बेर। मेरे गर्दन में ये लगाना पड़ा पट्टा, कुत्ते वाला पट्टा। क्योंकि फाड़ रखा है। बेर चाहिए आपको? चाहिए तो बोलो। ये देखो बेर, ये बेर हमारे घर पे पेड़ है बेरी का, उससे ये बेर हमने तोड़े हैं, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के बेर है, अगर किसी को चाहिए तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें। इस बेर मम्मी तोड़ तोड़ के लाती रहती है पेड़ से, और ये इकट्ठे कर रखे हैं हमने, पॉलिथीन भर दिया, अब हम इन्हें बेचने जाएंगे। और हमारा पहला ग्राहक है मेरा छोटा भाई गिप्पू, उसको पसंद है उसे देने जाएंगे हम। ये टेस्टी है देखो, लाल लाल एकदम, ग्रीन भी है, हर तरह की वैरायटी है। मैंने अपनी चाय कटोरी में ठंडी कर ली क्योंकि हमें जाना है घर की तरफ, मेरे घर की तरफ, तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा जल्दी से ठंडी हो जाएगी। लास्ट ब्लॉग के बाद मैसेजेस आ रहे थे कि आपने क्या अपना वॉकिंग स्टिक चेंज किया है। हाँ मैंने अपना वॉकिंग स्टिक चेंज किया है, मैंने ये वाला स्टिक लिया है इस बारी, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर भी टैग्स आ रहे थे ये थोड़ा डिफरेंट है, तो मैंने इस बारी ये ट्राई किया ताकि वॉक करने में ईजी रहे। पीछे मारोगे क्या? मेरी नाड़ अटक गई, पीछे गुना तक जा रहा मेरे पे। इन्हें देखिए बाल करने, याद है बिगड़ेला है, कर है भी इतना है भी है यू। अरे बहुत ऐप करा है तू, हंसना बहुत ऐप करा है तू। बेर कौन सा तोड़ता है तुम में से? हमारी बेर कौन तोड़ता है तुम में से? हमारी बेरी के बेर किसने तोड़े? नहीं तुमने तोड़े नाटी बच्चों।
तो मैं ना आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने ना मीशो से टी शर्ट ऑर्डर करी थी, अरे आराम से चलाओ ना, जो मैंने पहन रखी है यही वाली, ठीक है, और सिर्फ 300 की टी शर्ट है ये जो मैंने मीशो से मंगवाई थी। उसके बाद मेरा ऑर्डर आया, फिर मेरे को कॉल आया, फिर दोबारा आज, ये मेरी 3-4 दिन पहले आई थी, मेरे को कॉल आया कि मैम आपका ऑर्डर है मीशो से। मैंने कहा भैया मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया मीशो से। दे सेड कि पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है आपकी और आपका ऑर्डर है। मैंने कहा पेमेंट हो चुकी है? मैंने कहा भाई मैंने क्या ऑर्डर कर दिया, मैंने तो पेमेंट इसकी करी थी, कई दिन पहले आई थी। और देखो सेम टी शर्ट उन्होंने दोबारा मेरे को भेज दिया, वो भी फ्री में। मतलब हाथ दे यार, कुछ अलग भेज देते तो मेरा फायदा तो हो जाता कि मुझे नई टी शर्ट मिली है। बट उन्होंने क्या काम करा, सेम डिटो, कुछ चेंज नहीं है, सेम साइज है, सेम डिजाइन एंड ऑल, मेरे को एक और टी शर्ट भेज दी। अब कोई और कलर, कोई और डिजाइन होता डिफरेंट तो मैं रख भी लेती ना, ऐसा एक मस्त वाली ट्रेजेडी हो गई है ना। वैसे ना मीशो से कभी कुछ मंगवाया नहीं है, एक बारी हेयर स्ट्रेटनर मंगवाया था वो भी बहुत अच्छा आया था। और मैंने इस बारी, मेरे को ना ये प्रिंट थोड़ा अच्छा सा लगा था, मैंने बहुत दिन से ना मिक्की माउस की टी शर्ट ना सोच रही थी लेने का, है ना। सो मैंने कई साइट्स पे चेक किया, बहुत ज्यादा हाई प्राइस थे, मेरे को मैंने कहा बेकार है, इतना ज्यादा महंगा नहीं चाहिए। फिर मैंने ना बाय द वे मीशो इतना चेक कर रही थी, तो मीशो के ना एडवर्टाइजिंग आ रही थी इंस्टाग्राम पे, उसमें मैंने देखा कि ये टी शर्ट ना दिख रही, मैंने ओपन किया, मैंने कहा चल मंगवा लेती हूँ, 300 में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अच्छी होगी तो पहन लेंगे, वरना रिटर्न डाल दूंगी। उसका फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है, पॉलिस्टर करके फैब्रिक है ये, एंड बहुत अच्छी फिटिंग है इसकी, और पता भी नहीं लग रहा इतना लाइट वेट है बिल्कुल कि कुछ पहना हुआ है, बहुत बहुत कंफर्टेबल है, मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली। तो मेरे को लगा कि नहीं यार बुरा नहीं है, मीशो से कपड़े ठीक मिल जाते हैं। आई थिंक मैंने जो पहली बार मंगाया तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा मीशो के साथ। इसमें एक प्रॉब्लम और होती है मीशो के कपड़ों में, कुछ में एक्सचेंज पॉलिसी होती है, कुछ में नहीं होती, तो देख के मंगाए, बाकी ठीक है। अब हम घर की तरफ निकल गए हैं, नोनू को लेंगे, नोनू घर पर ही है, और उसके बाद हम फिर वापस रिटर्न आ जाएंगे घर। मैंने फिर से अपना कुत्ते वाला पट्टा पहन लिया, बिकॉज मेरे नेक में बहुत पेन हो रहा है, गाड़ी में जो धचकियां लग रही है ना उसी से भी मेरे नेक में पेन हो रहा है, मतलब मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। अगर पेन तो सभी खतरनाक है भाई, जिंदगी खतरनाक है। मेरे को तो इतना कभी कभी ना मेरे को इतना गुस्सा आता ना फील, मैं मन करता बैठ के ना जोर जोर से रोना चालू कर दे, यार जिंदगी में ना इतने दर्द क्यों है मेरे में, मुझे इतने पेन क्यों दे रहा ऊपर वाला, सीरियसली यार। मतलब अभी करता ना टकने से पहले 4-5 दिन पहले मेरी बैक में इतना ज्यादा पेन था, मतलब इतना ज्यादा पेन था मेरी बैक में कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, मैं उठ भी नहीं पा रही थी, लिटरली मैं सिर्फ ऐसे ही स्ट्रेट पड़ी हुई थी। अपना वो 3-4 दिन तक वो पेन रहा, सिखाई वे कई थोड़ा करी, उसके बाद वो बंद हो गया। एग्जाम देने जैसे तैसे गई थी मैं, मेरा LLM का पेपर था, उसके बाद ये गर्दन अटक गई। कभी मेरे कान में दर्द हो जाता है उससे कुछ दिन पहले मेरे इस वाले कान में, मैं रात भर रो रही हूँ, मेरे को कान में दर्द बंद नहीं हो रहा। एक तो यहाँ के रोड है ना, माँ कसम ये रोड बनाने वाला मिल जाए ना इसकी गर्दन तोड़ दूं मैं। यार मैं सर्वाइकल से इतना दुखी हूँ मैं सर्वाइकल से, बस क्या ही बताऊँ, मैं इतना दुखी हूँ। मैंने अपना हेयर कट भी इसकी वजह से करवाया, क्योंकि पोनी नहीं बन, जिसको सर्वाइकल है वो समझ सकते हैं कि सर्वाइकल वाला बंदा ना इतना जब पड़ जाता है ना सर्वाइकल, मतलब वो ना अपने बाल भी नहीं धो सकता सर्वाइकल वाला बंदा, गर्दन नीचे नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने अपने बाल कटवाए थे, क्योंकि मुझे पोनी वोनी करना, धोने वोने में बड़ी दिक्कतें होती थी। मैंने कहा बाहर में जो कटवा दूं, गंजरे फिर से बड़े हो गए, देखना कहाँ लिए, मेरा पट्टा भी छिपा दिया इन्होंने कुत्ते वाला, अब फिर बड़े हो गए। मोनू कह रहे थे फिर कटवा दे, बॉय कट करवा दे, मैंने कहा टकली ना हो जाऊं मोनू अब की बार गंजे, अरे अब की बार ना हम ना टकले होंगे सीधा, अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग देखोगे ज्योति भाटी गंजी हो गई। करो बट टकलियों को कैसी लगूंगी मैं मोनू। क्या मजे ले रहे हो यार, हाय प्रभु गंजा किसी को ना करे भगवान, बड़ी डेंजरस बीमारी होती है जो लोग टकले होते हैं, जोक की बात नहीं है, सीरियस मैटर है ये। ज्यादा पेन वेन रहा ना तो मैं को ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मैं ना सच में बता रही हूँ, मैं ना बॉयकट करा दूंगी। वो छोटे छोटे बाल नहीं होते इतने से, वो 4-5 सर पे ऐसे खड़े रहते हैं मुंह वाले, जैसे मोनू के भी बड़े हैं उससे भी छोटे करा दूंगी। मेरे को बहुत गुस्सा आती है, अब कॉम्ब भी नहीं हो रहा था, आज मेरी सास ने मेरे बाल कॉम्ब किए, तो 4 बाल है वो भी उन्होंने कॉम्ब किए, मेरे को कुछ भी नहीं काम हो पा रहा, मेरे से इतनी मैं परेशान हूँ। घर में पड़े पड़े ना पक गई, तो फिर उन्होंने बोला चला मम्मी की तरफ चलते हैं, थोड़ा मन ठीक हो जाएगा, है ना।
चाय भी पियाओगे मुझे अच्छी वाली? निकालो। मुझे लगता कोई है नहीं घर पे। हाँ? नन्नू हाय, नन्नू हाय बोलो, नन्नू सबको हाय बोलो, हाय गाइस बोलो, हाय गाइस चला दो, चला दो। क्या खाया था आपने? दीपू तू क्या कर रहा है? आ करो। बोले कितना आ रहे हो? तो अभी हमने क्या सीखा? गुस्सा न हराना, बहुत अच्छे। इतनी रोटी खाया था तू? हाँ, और सबसे जरूरी है ढेर लगा रखा है। कॉपीराइट ले आओ मेरी मीडियन पे, वैसे ही व्यू ना क्या चला दो। तो हम नानू को घर से लेके आ गए हैं और अब हम कुछ सामान लेना था मार्केट में, गए थे दुकान पे। उसकी बहुत बच्चे तो बदतमीज, अरे मम्मी मैं मार दिया मुझे कान मिले। ये मैं इनको बच्चों को पढ़ाती थी मेरे एनजीओ में सारे। हाय बोलो सब। हाय गाइस, हाय गाइस, आपको चैनल का नाम क्या है? मेरे का ज्योति खारी ब्लॉग, खारी खारी के एच ए आर आई ब्लॉग। नंबर देके कॉल कर लेना मुझे, अगर मैं फ्री होंगी तो उधर आऊंगी, सारे आ जाना ठीक है? राखी आपको बहुत याद करती है। हाँ तो उसे भी ले आना, लो मैं नंबर देती हूँ। राखी तो तुमसे मिलती है। इसके बटन खुल गया शर्ट के सारे। मेरे मम्मी का घर है, मतलब मैंने वहाँ पर ना बहुत टाइम पहले एक एनजीओ चलाया था और मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती थी एनजीओ में। तो वो बच्चे मुझे काफ़ी बच्चे थे, मेरे पास 150 के अराउंड बच्चे थे जिनको मैं पढ़ाती थी एनजीओ में। तो कितनी बार होता है कि वो बच्चे मुझे मतलब पहचान लेते हैं, मिल जाते हैं यहाँ वहाँ रोड पे। जैसे इस घर की तरफ आती हूँ मैं, तब अभी भी हम गाड़ी में खड़े थे मैं और नोनू थे, तो उन बच्चों ने मुझे पहचान लिया और वो शीशे को ऐसे बजाने लग गए। मैंने कहा पता नहीं कौन है मुझे, तो मैंने शीशा उतार दिया, देखा तो कह रहे आप ज्योति दीदी हो? मैंने कहा हाँ मैं ज्योति हूँ। तो वो बोलते दीदी हम आपने हमें पहचाना नहीं? मैंने कहा ध्यान से देखा, मैंने कहा अरे तुम तो मेरे एनजीओ वाले बच्चे हो। कह रहे हाँ बड़े हो गए, क्योंकि 4 साल हो जाएंगे मेरे इस मई में शादी को, तो उससे पहले मैं उन्हें पढ़ाती थी। मेरी शादी के टाइम पर ही मैंने बंद किया था वो एनजीओ जिन बच्चों को मैं पढ़ाती थी। इतना अच्छा लगता है कि ये बच्चे मुझे कभी भी रोक लेते हैं। अब तक ऐसे 3-4 बार इंसिडेंट हो गया। एक पढ़ाती थी, अब भी बोलते दीदी आपने पढ़ाना क्यों बंद कर दिया? मैंने कहा बेटा शादी हो गई, अब अपनी लाइफ बिजी हो गई, अब बच्चा हो गया। पहले एक अलग लाइफ थी कि मैं घर पे रहती थी, इतना कुछ था नहीं करने के लिए, तो मैं क्या करती थी इन बच्चों को पढ़ाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरे पास 100-150 बच्चे हो गए थे उस टाइम पे, 150 के ऊपर चले गए थे। फिर शादी का टाइम आ गया तो बंद करना पड़ गया, और मेरा प्लान भी था रजिस्टर कराने का एनजीओ, बट वो चीज़ हो नहीं पाई, शायद होनी नहीं थी। तो वो बच्चे मिस करते हैं, मैंने उनको टाइम दिया। मैंने कहा संडे तो मेरा एग्जाम है, संडे को मैं 1:30-2 बजे घर आ जाऊंगी। मैंने कहा शाम को 5 बजे आ जाना, देखती हूँ अगर वो लोग आएंगे तो। मैंने सबको मिलने बुलाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ बात करना। मुझे शुरू से बहुत पसंद थे सारे बच्चे, और बड़े हो गए सब 4 साल में बहुत बड़े हो गए। कह रहे कि दीदी हमने आपकी कार पहचान ली, गाड़ी से आपको पहचान लिया। मैंने कहा बताओ बच्चे कितने शार्प होते हैं।
तो ये चीज ना मैंने लाइफ में एक काम बहुत अच्छा किया है कि मैंने जो गरीब बच्चों को मैं पढ़ाती थी उस टाइम पर, मैंने 1-1.5 साल पढ़ाया था गरीब बच्चों को, 150 गरीब बच्चों को पढ़ाया था मैं खुद, उन्हें सारी पेंसिल कॉपी वगैरह अरेंजमेंट करके देती थी, जिनको कपड़ों की जरूरत थी उन्हें कपड़े देती थी, शूज चाहिए होते थे मैं मांगती थी लोगों से कि मुझे शूज दे दो बच्चों के पुराने जो पड़े हैं इकट्ठे कर करके, और कुछ जितना मुझसे होता था उतना मैं खरीद के देती थी, मैंने इन बच्चों के लिए करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं इन्हीं की ब्लेसिंग्स है कि लाइफ में सब कुछ इतना स्मूथ है, ठीक है। थोड़ी बहुत टेंशन सबकी लाइफ में होती है, लाइफ पार्टनर अच्छा मिल गया, ससुराल अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं फैमिली में, बताया कि जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो ना, डेफिनेटली भगवान ना आपको जरूर वापस रिटर्न करता है। तो ये लोग मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते थे ना कि दीदो आप खुश रहो लाइफ में, तो ये सब ब्लेसिंग्स मुझे देते थे ना, सच में वो सब मेरे आगे आई हैं। अगर आप बुरा करोगे तो आपके आगे आएगा, और आप अच्छा करोगे तो आपके आगे आएगा। तो कहीं ना कहीं जब कुछ अच्छा है ना, तो मुझे फील होता है कि अच्छा काम किया था उसका नतीजा अच्छा है, तो ये सोच के बहुत अच्छा फील होता है। सच में इनकी बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं, ये गरीब बच्चों की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा तुम्हें लगती हैं अगर तुम इनके लिए कुछ करते हो। किसी के लिए भी कुछ भी करो ना यार, इंसान दिल से दुआएं देता है, उसकी आत्माओं से हमारे लिए दुआएं निकलती हैं। तो ये मेरे आज के व्लॉग का बेस्ट पार्ट है, ये बच्चे मुझे मिले, इनसे मैंने बात करी, आज के दिन का बेस्ट पार्ट है ये। मैं रुकी घर से नोनू को लेकर आई थी मम्मी के घर से, सडनली यहाँ रुके और ये बच्चे यहाँ घूम रहे थे, कहते हमारा कोई स्टॉल कोई ठेला वेला लगा हुआ है इनका, शायद फ्रूट का, तो इन्होंने वहां से देखकर ये मेरे पास आ गए। 6-7 बच्चे थे, लड़की की शादी है इनमें से, तो बोले दीदी हम अपनी बहन की शादी में आपको बुलाएंगे, तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी शादी में, नोनू को भी लेके जाऊंगी। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को यहीं करते हैं बंद, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे, बाय बाय, सी यू।